ज्वाइन करने के बाद में, तो इसके आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग कि सीए में एग्जैक्टली कितने लेवल्स हैं, यानी कि कितने स्टेजेस हैं सीए क्लियर करने के लिए, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू आ रहे हो, तो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, अगर फाउंडेशन रूट के थ्रू आ रहे हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसको हम फाउंडेशन एग्ज़ाम या पहले सीपीटी कहा करते थे। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू आ रहे हो तो देना पड़ेगा। अदरवाइज दोनों ही केसेस में, चाहे वो फाउंडेशन रूट हो या फिर डायरेक्ट एंट्रेंस रूट हो, उन दोनों केसेस में रिमेनिंग दो लेवल, दो स्टेजेस प्योरली सेम हैं एंड दे आर इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो दो स्टेजेस तो दोनों में सेम है, सिर्फ फाउंडेशन लेवल वाले स्टूडेंट के लिए एक तरीके से एंट्री एग्ज़ाम अलग से एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी दोनों ग्रुप्स, दोनों जो स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, वो सेम हैं सीए स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हो चाहे आप फाउंडेशन रूट से हो। आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, जो हमने लेवल्स की बात करी, तो इनको लेवल्स को हम बायफोकेट करते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने पेपर आपको देने होंगे, कितने पेपर्स हैं जो आपको क्रैक करने होंगे टू बिकम अ सीए। तो